हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का। हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर इसके सीरीज से चैप्टर 2 है बुक में। अलग अलग बुक में तो अलग अलग चैप्टर होगा, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। और इसमें हम लोग पार्टनरशिप के सारे सीरीज करेंगे, जो चैप्टर 2 है, चैप्टर उसके 5 तक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है। तो हम लोग तीनों चारों पांचों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमने इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक कवर करी है, और हिंदी मीडियम के लिए इसके सिंह की बुक आती है वो हमने कवर करने की कोशिश करी है, और क्वेश्चंस लिए हैं इसके अंदर। और हम लोगों ने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने की कोशिश करी है, ताकि जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, दोनों स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो चीज़ें होती है उसे हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप कहते किसको है। तो सिंपली पार्टनरशिप जो कहा जाता है उसकी मीनिंग सिंपली ये होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस को शुरू करते हैं, उसे ही कहा जाता है पार्टनरशिप। तो आपको लिखना है पार्टनरशिप डेफिनेशन में कि व्हेन टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस को शुरू करते हैं, चलाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये लिखा हुआ टू और मोर पर्सन, तो इसे ही कहा जाता है क्या, पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप एक एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार इसमें सारी चीज़ें होती है। जैसे कि इस जो एक्ट कहता है कि आपको इतने पार्टनर में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, और जो भी सारी चीज़ें, लेकिन ये एक्ट है जो आपको आपको अकाउंटिंग के अंदर नहीं पढ़ना, ये बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में है, अकाउंटिंग में नहीं है। तो ये पार्टनरशिप के डेफिनेशन में सिंपल सी बात है कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर जब बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं हम लोग। अब एक होता है पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसमें से होता है पार्टनरशिप डीड। अब पूछा जाएगा आपसे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड की बात जब भी आएगी तो आपको ये सोचना है, डीड मीन्स आप सोच लीजिए एक तरीके से ये एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। इसमें एक एक देखिए एक तरीके से ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें सब लोगों का साइन होता है कि इसमें देखिए ऑल पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि किसका क्या नाम है, क्या एड्रेस है। दूसरी चीज़ में जो मेन होता है वो ये कि इसमें ये बताया जाता है कि आपको कितने किसको कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना परसेंट दिया जाएगा, पार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि अगर प्रॉफिट हुआ बिजनेस के अंदर तो किसको कितना मिलेगा, सब क्या सब बराबर बराबर बांटेंगे तो 1:1:1 हो जाएगा, अगर रेशियो जब आपने पढ़ा होगा शायद इस तरीके की चीज़ें, या फिर जिस तरीके से वो बांटेंगे उस तरीके से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आधा आधा बांटेंगे, मान लीजिए कि कोई इंसान 50-50 रुपये लगाया अगर कैपिटल में, दो ही लोग हैं बिजनेस के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो हाफ हाफ बांटेंगे तो उसकी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, मतलब एक 1/2 एक को मिलेगा, 1/2 एक को मिलेगा। तो इस तरीके से ही हमारा क्या होता है, रेशियो बन जाता है। तो इस ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको कितना सैलरी मिलेगा, अगर कोई पार्टनर में कई सारे तरीके के पार्टनर होते हैं, जैसे कि कोई एक्टिव पार्टनर है जो बिजनेस में पैसा भी लगाया है और काम भी करता है, तो जो उसने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर उसको सैलरी भी दी जाएगी। अगर उसको सैलरी देनी है तो कितनी देनी है, पर क्वार्टर देनी है, पर मंथ देनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा पार्टनरशिप डीड क्या है, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ हो तो हम नहीं देंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि डीड साइलेंट है, तो अगर डीड साइलेंट है तो आपको एक रुपया भी किसी को नहीं देना है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो, चाहे सैलरी की बात हो। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट ऑन, कोई एक पार्टनर है जो कह रहा है कि मुझे अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट दो, लेकिन डीड साइलेंट है, तो देंगे तो नहीं देंगे, वहाँ पर आंसर क्या होगा, नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एक ही केस में अगर डीड साइलेंट हो तो दिया जाता है, वो होता है पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, वो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये था पार्टनरशिप डीड। अगर सिंपल बात है, अगर पूछा जाएगा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो क्या बताएंगे, ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, पार्टनर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, पार्टनर्स का नाम पता, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उसका, उसके बाद उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि उसको सैलरी कितनी दी जाएगी, पार्टनर को किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
अब बताया पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन की जो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन में कि अगर डिड साइलेंट हो, डिड में ये अभी हमने क्या कहता है कि डिड में लिखा होगा कि कितना सारी चीज़ें, अगर डिड में ना लिखा हो तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने हमें बिजनेस को लोन दिया है या एडवांस दे दिया, मान लीजिए कि बिजनेस पास पैसा नहीं था, किसी पार्टनर ने कहा कि चलो मेरा ये पैसा लगा दो लेकिन बाद में जब कमाना था हमें इस पे इंटरेस्ट दे देना, तो मतलब उसने एज ए कैपिटल हमें नहीं दिया, उस पैसे को उसने हमें इंटरेस्ट ब्याज पे दिया है, तो वो पैसा हमारे लिए क्या होगा, हम उसको इंटरेस्ट पेड करेंगे, मतलब हमारे लिए एक तो खर्चा होगा, मतलब हमारे लिए इन द सेंस बिजनेस के लिए, हम जब भी सोचेंगे तो बिजनेस के व्यू से, फर्म के व्यू से सोचते हैं। दूसरी चीज़, ये फर्म क्या होता है, तो फर्म होता है कलेक्टिवली, जब दो से ज़्यादा लोग एक बिजनेस को चलाते हैं तो उसको कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है, क्या कहते हैं फर्म कहा जाता है कलेक्टिवली, मतलब 3 4 5 लोग हैं तो उसको एक बिजनेस कहते हैं ना, उसे ही एक पार्टनरशिप की बिजनेस होती है तो उसे फर्म कहा जाता है कलेक्टिवली, ठीक है। तो अगर डिड साइलेंट है, अगर डिड साइलेंट है में ये नहीं बताया गया है कि आपको कितना परसेंट देना है, तो हम क्या करेंगे 6% की दर से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे उसको जिसने हमें लोन दिया है, मतलब एक्सपेंसेस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें एक चीज़ आती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट निकालना, सबसे पहले होता क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये हम जान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी पार्टनर ने, अगर इस बात को आपको नोट करना है, लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, कि जो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखना है आपको, कि जब कोई भी पार्टनर जो ड्राइंग करता है, बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सवाल ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब उसने पैसा निकाला बिजनेस से तो क्या होगा, वो बिजनेस को पैसा देगा, मतलब ब्याज देगा, इंटरेस्ट उस पर देगा, मतलब मान लीजिए कि आप एक पार्टनर हैं और आपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिए, तो अगर आप बिजनेस को उस पैसे पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, मतलब बिजनेस के लिए वो एक तरीके से इनकम होगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये चीज़ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, अभी आगे देखेंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में, तो इसे लेकिन सिंपली समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, बिजनेस के लिए ये इनकम होता है क्योंकि पार्टनर ये बिजनेस को देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अब तो इस बात को आपको लिख लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, बिजनेस के लिए इनकम होता है, और ये होता क्या है, पार्टनर्स जो निकालते हैं बिजनेस से और वो फिर बिजनेस को उस पर ब्याज देते हैं, तो वो ब्याज बिजनेस के लिए इनकम होगा। अब इसमें सवाल क्या होता है कि ये कैसे पता किया जाए। अब अगर सिचुएशन, इसमें 3 सिचुएशन की बात होती है, देखिए ये सिचुएशन नंबर 1 है, ये सिचुएशन नंबर 2 है, और ये सिचुएशन नंबर यहाँ पे 3 बताया गया है, ठीक है। तो हमें क्या जानना है एक्चुअल में कि अब देखिए केस हो सकता है कई तरीके का, एक ये केस है कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ पार्टनर ने क्या किया कि हर महीने के शुरू में अगर बिजनेस से पैसा निकाला तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ महीने के एंड में निकाला, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ बिजनेस से पैसा निकाला बीच में, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, इसका एक जनरली फॉर्मूला बना दिया गया है कि अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा हो तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे, जितना उसने अमाउंट निकाला मतलब टोटल ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो डिवाइड बाय 100 इंटू 6.5, मतलब 6.5 या 6 1/2 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, समझ गए। तो ये निकल के क्या आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में निकाला गया है तो, मतलब मान लीजिए कि अगर उसने 1 लाख रुपए निकाले बिजनेस से, ठीक है, और आपने क्या किए हैं उस पर, उसने कहा है कि 6% इंटरेस्ट देंगे, तो आप क्या करेंगे 6% देंगे, और वो क्या किया है उसने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला है तो आप क्या करेंगे 6% इंटू, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला तो 6 1/2 डिवाइड बाई 12 करना है आपको, तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है तो हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसके कहाँ शो कर देंगे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है, आप अपने बुक में देखेंगे, काफ़ी इलस्ट्रेशंस भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे कि साल के शुरू में निकाल रहा हो, कभी होगा साल के एंड में निकाल रहा हो, समझ गए, साल के मिडिल में निकाल रहा हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, तो ये बहुत सिंपल होते हैं, एग्जाम में भी अगर आ जाए तो बहुत ही सिंपल होता है, तो इसे आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें। फिर देखिए अगर क्या करेगा कि एंड ऑफ एवरी मंथ निकालना हो, क्या कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो आप क्या करेंगे कि ये सेम बात कुछ नहीं करना है, लास्ट में जो 6.5 जहाँ लिया था वहाँ पे 5.5 ले लेना है, मतलब ये कि अगर उसने 1 1 लाख रुपए निकाला है 6% रेट की दर से,
वो इंटरेस्ट देगा अगर हमें, लेकिन लिखा हुआ है कि एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड ऑफ लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे 5.5, मतलब ये 6.5 की जगह क्या हो जाएगा 5.5, ठीक है। और ये इनकम होगा हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अप्रोप्रिएशन बनाते हैं यहाँ पे, तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसको शो कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगर लिखा हो मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो सिंपल होता है ये, इसमें 6/12 कर देते हैं, मतलब ये सब कुछ वही रहेगा यहाँ पे, जो ये जो दिया है ये, यहाँ पे हम क्या करेंगे 6.5 की जगह यहाँ 6/12 लिख देंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये तीन सिचुएशन याद रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मामले में, अगर बिगनिंग हो तो 6/6, एंड हो तो 5.5, मिडिल हो तो 6/12। और एक चीज़ और याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर लिख देता है, अभी हम एक आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें शायद ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ हो, तो अब पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, उसमें लिखा होगा कि ड्यूरिंग द ईयर निकाला, तो लोग बच्चे परेशान होते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो क्या करेंगे, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर भी लिखा हो तो आपको क्या करना है कि 6/12 लगा देना, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक साजल और काजल नाम से एक क्वेश्चन है आपके बुक में, जो टी एस अग्रवाल लोग जो बनाते हैं उस बुक के अंदर ये क्वेश्चन गिवन है, जहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ होगा, तो आपको क्या करना है 6/12 लगा देना। तो सिंपल सी बात है, बिगनिंग हो तो कैसे करेंगे, एंड हो तो कैसे करेंगे, मिडल ऑफ एवरी मंथ हो तो कैसे निकालेंगे, ये तीन सिचुएशन है, ये तीन सिचुएशन से सवाल बनते हैं, तो आपको इसको देखना और समझना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब 11th वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो फंडामेंटल चैप्टर होता है उसके अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, तो सिंपली आप क्या जानते हैं इसके बारे में, सबसे पहले इस बात को लिख लीजिए अपने कॉपी के अंदर कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड ही आइटम्स को लिखते हैं, ऐसा अकाउंट जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंट्स को लिखा जाता है। और ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट आता है उसके बाद जो सारे पार्टनर्स को हम लोग देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन सैलरी वगैरह, उसकी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है सिंपली। तो आप बनाएंगे कैसे इसको, पहले तो ये इसका फॉर्मेट है, आप क्या करेंगे ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे जो कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वैसे जनरली बुक में ये इसमें इसका आपको गिवन होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो छोटा सा कुछ आइटम ऐसा होगा जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होगी, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होगा। तो अब क्या करेंगे, ये गिवन होता है जनरली, तो इस प्रॉफिट को आपने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी अपने पीछे पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या होता है, इनकम। अगर मान लीजिए यहाँ दो नाम दिया हुआ है, अभय और भास्कर, दो लोगों ने क्या किया पैसा निकाला, तो इसने मान लीजिए 1 लाख निकाला, इसने भी 1 लाख रुपया निकाला, तो मान लीजिए 6% रेट था, तो ये क्या करेगा 6/12, 6/12 ये हमें क्या करेगा देगा। अगर मान लीजिए इसमें ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो 6/12 लगा देंगे, आगे भी 6/12, और ये क्या हो जाएगा 6/100, है ना, ये हमें देगा। जो आएगा आंसर उसको हम यहाँ पर लिख करके फिर ऐड करेंगे, और ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे कि इन दोनों से ने हमें इतना इंटरेस्ट का अमाउंट दिया। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ प्रॉफिट लॉस, ठीक इस तरह अगर नेट प्रॉफिट लॉस में अगर लॉस हुआ है तो उसे हम यहाँ शो करेंगे नेट लॉस, कहाँ से नेट लॉस, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बनाया उसमें नेट लॉस आया है तो हम नेट लॉस यहाँ शो करेंगे, नेट प्रॉफिट यहाँ शो करेंगे, ये कहाँ देख लिख भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट लॉस आएगा उसको हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, अब इसमें हमने क्या कहा कि सारी इंट्रीज आएगी जो पार्टनर से रिलेटेड हो, अगर रेंट होगा तो नहीं डालेंगे क्योंकि रेंट हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालते हैं, तो रेंट यहाँ नहीं आएगा, पार्टनर से ही रिलेटेड। अगर कोई पार्टनर को सैलरी दिया है, पार्टनर को कमीशन दिया गया, पार्टनर्स को कोई कोई भी चीज़ें दी गई है, बोनस फीस कुछ भी ऐसी चीज़ें दी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स के को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है तो वो हम करेंगे। दूसरी चीज़ की इसको आप इस तरीके से सोचिए कि आपने 11th में पढ़ा था कि हम लोग 11th में पढ़ते हैं ना, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिटेड ऐसा पढ़ते हैं, और ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड ऐसा पढ़े थे हम लोग। तो अब क्या करना है, यही चीज़ है, यहाँ पे सारे जो इनकम होंगे उसको क्रेडिट साइड पे शो करना है, और सारे जो एक्सपेंसेस होंगे उसको डेबिट साइड पे शो करना है, लेकिन कौन पार्ट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। अप्रोप्रिएशन की मीनिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन, तो
हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट आया उसको हम लोग सारे खर्चे बांट के बांट करने बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इसका नाम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको लिख लेनी चाहिए आपको आपकी कॉपी में, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सारी चीज़ें ये डेबिट साइड, तो इसलिए हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर बिजनेस फर्म फर्म क्या करे पार्टनर को, क्या बिजनेस मतलब बिजनेस में पैसा लगाया पार्टनर ने, तो पार्टनर को फर्म बिजनेस क्या करेगा कि उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ खर्चा है, तो इसलिए ये डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि हम अकाउंट बिजनेस के व्यू से बनाते हैं, तो बिजनेस के लिए जितने सारे एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अभय भास्कर के कैपिटल को दिया गया है इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे 1 लाख है मान लीजिए, उसका रेट दिया हुआ है 6% इंटरेस्ट दिया, तो 1 लाख का 6% निकाल के यहाँ यहाँ शो कर देंगे, और जो आएगा टोटल यहाँ शो कर देंगे। फिर है पार्टनर्स को सैलरी, मान लीजिए किसी पार्टनर को सैलरी दिया गया, मान लीजिए यहाँ दो पार्टनर है तो दोनों का नाम लिखेंगे, अभय विनय भास्कर कुछ भी होगा यहाँ लिख के, फिर टोटल करके लिखेंगे इतनी सैलरी दी गई। कभी कभी दिया होता है पर मंथ दिया है, कभी कभी लिखा होगा पर क्वार्टर दिया है, तो पर क्वार्टर का मतलब ये होता है कि हर 3 महीने पर दिया गया, तो मतलब साल में 4 बार दिया जाएगा, तो मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए 7000 है पर मंथ, तो 7000 × 4 करेंगे, 10000 है तो 10000 × 4 करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आती हैं उस तरीके से पार्टनर्स को कमीशन। अब ये होता है एक रिज़र्व, क्या करता है पार्टनर कुछ पैसे बिजनेस से प्रॉफिट में से निकाल के रिज़र्व में रख देता है, तो आपको क्या करना है कि जितना परसेंट रिज़र्व की बात करेगा उतना परसेंट रिज़र्व आपको क्या करना है यहाँ पे शो कर देना है, क्योंकि ये भी आपको मतलब प्रॉफिट में से जाएगा, मतलब प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो कम कर रहा है इसलिए खर्चे कम करते हैं हमारे, उस तरीके से ये रिज़र्व भी हमारे प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए हम लोग इसको डेबिट साइड पर शो कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें शो कर देंगे, फिर बैलेंस करेंगे, अगर इधर ज़्यादा है और इधर कम है तो प्रॉफिट आएगा, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट को लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ये जो जो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, सारे इधर ऐड किया फिर इधर उस चीज़ को लिखा, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे टोटल को, जो आएगा वो हमारा क्या होगा बैलेंसिंग फिगर, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब है अभी क्या करेंगे इसको हम लोग अपने रेशियो में, जान लीजिए कि इसकी रेशियो गिवन है कि 4:3:2, तो आप क्या करेंगे कि अभय और इसके कैपिटल भास्कर तीनों में बांट देंगे, तो मतलब 4, 2, 3 है, तो मान लीजिए ए को, ए वाले को कितना मिलेगा 4, 3, 2, तो 4, 3, 7, 2, 9, तो 4/9 एक को मिलेगा, दूसरा हो जाएगा मान लीजिए बी है तो इसको मिलेगा 3/9, तीसरा सी है मान लीजिए तो इसको मिलेगा 2/9। हम लोग क्या करते हैं इस तीनों को ऐड करते हैं और उसको बेस में डालते हैं उसका अमाउंट निकालने के लिए, जितना प्रॉफिट आएगा इतना लिखेंगे, फिर हम लिख मान लीजिए 1 लाख प्रॉफिट आया तो × 1 लाख लिख कर इक्वल टू जो आएगा उसको हम लोग सबके सामने लिख देंगे, और ये सी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर फिर यही चीज़ अगर इधर आएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई लॉस, ठीक है, वही चीज़ ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी जिसको ट्रांसफ़र किया गया हो, और जो रेशियो होगा उस रेशियो में यहाँ हम लिख देंगे, और टोटल अमाउंट जो आएगा जितना लॉस उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जनरली, फिर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, ये चीज़ जाती है डेबिट साइड पे, ठीक है, अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे डेबिट साइड पे क्यों जाती है, ये चीज़ क्रेडिट साइड पे क्यों जाती है ये डिस्कस करेंगे। तो ये था प्रॉफिट लॉस का, सिंपल सी बात है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, एक तरीके से इसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाते हैं, प्रॉफिट आता है तो यहाँ शो करते हैं, लॉस आता है तो यहाँ शो करते हैं, उसके बाद अगर कोई जितने सारे खर्चे होंगे जो पार्टनर से रिलेटेड है वो यहाँ रख देंगे, और जो इनकम होगा वो हम यहाँ पे शो कर देंगे, समझ गए। उसके बाद फिर क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, एक इस तरीके से मान लीजिए इसमें एक और चीज़ें आती हैं, ये कमीशन वाली बात है, ये कमीशन के कभी कभी क्वेश्चन अलग से दिया हुआ था, हम ये कभी पहले एक सिंपल सा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ये एक इलस्ट्रेशन नंबर